চলছে সেকেন্ডসটা চলছে দেখ तो दोस्तों जैसा कि आपको बता रहा था ये हम फुलगांव रोड की तरफ जा रहे हैं आदर्श नगर एक्सटेंशन वगैरह से कार वाला कहाँ से आ गया हाँ। अरे इसमें ना एक चीज़ है पता है वीडियो और फास्ट ऑन करते करते सेल्फी मोड तक वही मोडे नवा जाए फ्रंट मोड आबार फ्रंट तक सेल्फी मोड एक बार ही नवा जाए तापड़े आबार आसे ना निशान का फोटो मोड देखता आया ना इधर दिखा हट गया कैमरा मोड कहाँ इधर कैमरा मोड आ गया वीडियो तो अच्छा ना हुआ अरे कार वाला कहाँ से आ गया पता है वीडियो और फास्ट ऑन करते करते सेल्फी मोड तक वही मोडे नवा जाए फ्रंट मोड आबार फ्रंट तक सेल्फी मोड एक बार ही नवा जाए तापड़े आबार आसे ना निशान तक एई जे एटा फोटो मोड देखो ना ये हमारे चारों तरफ आप देख सकते हैं हमारे यहाँ ऑल इंडिया में अभी काफ़ी ज़्यादा बारिश चल रही है इस बार हम कंप्लेन नहीं कर सकते कि भगवान बारिश कम दिया ना सूखा रह गया हमारे यहाँ तो अब खेती क्या होगा ये हालांकि देखिए बारिश इतना सफिशेंट होने के बाद भी प्याज के दाम बढ़ रहे हैं कहीं पर टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं गोभी का दाम तो उतरता ही नहीं है ना तो अब ये
डिपेंड करता है हर जगह के भौगोलिक संरचना पर भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर आलू वगैरह खेती होती है अच्छी, पर प्याज की नहीं होती है, जो कि महाराष्ट्र और MP वगैरह साथ ही है, तो इसके भरोसे हम रहते हैं। इसीलिए अब वहाँ पर अगर सूखा है या कुछ और है, तो जिसके कारण से हमें यहाँ पर दाम ज़्यादा मिल उसका चुकाना पड़ जाता है। खैर, रास्ते की बात तो ये हम चल रहे हैं IT बालोद रोड की तरफ, और ये रास्ता आगे तक और एक्सटेंड हुआ है। कोलिहापुरी यहाँ से शुरुआत हो गया, एक छोटा सा गांव है, ये बाएं हाथ की तरफ आगे हम राइट कॉर्नर CSIT कॉलेज मिलता है, और गांव का रास्ता है, पर आगे जाके ये भी दो छोटे छोटे शहरों में मिलता है। और हमारा जो पड़ोसी जिला है कांकेर, उसमें भी जाके मिलता है। चला पहला यहाँ का बड़ा टाउन है, लगभग यहाँ से 110 किलोमीटर दूर पड़ता है। बहुत ज़्यादा तो हम यहाँ से दूर नहीं जा रहे अभी, ओगुल समय एकलाते आरो बेसी पानी है बा बोंदूरा जो भी आरो किछु टॉपिक है। बहुत ज़्यादा दूर तक हम नहीं जा रहे, यहाँ से हम CSIT कॉलेज के गेट गेट दो के वापस आ गए हैं, क्योंकि हमारा प्लान यही था कि आज संडे को थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के दौरान थोड़ा सा राइड ले लिया जाए। ये ऋषभ ब्रिज पर सर ये थोड़ा सा नया देख रहे हैं, बस बहुत ज़्यादा मत करो, ज़्यादा लेफ्ट राइट मत करो, था वीडियो का पीछे चढ़ा ही सर। अभी इन रास्तों में तो एक जैसा ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, तो हम वीडियो यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं, आगे एक नए पड़ाव में नए रास्ते में जाते हुए आपको फिर कुछ वीडियो से अवगत कराएंगे। खैर, ये लास्ट CSIT कॉलेज जो है शिवाजी कॉलेज है, थोड़ा सा यहाँ पर कह रहा है लोग कह रहे हैं डूबे जाए जाने ये हमारा शिवनाथ नदी सबको पानी मुहैया कराता है, पर आज के दिनों में देख सकते हैं आप यहाँ कचरा वगैरह ये नया बना है यहाँ पर फ्लाईओवर, तो यहाँ पर ही पुल पे ही लोगों ने कचरा फेंक दिया है, बाकी तो छोड़ ही दीजिए नदी को, तो मटमैला बना ही देता है। ये पीने योग्य पानी अभी नहीं दिख रहा है, आगे जाके फिल्ट्रेशन होता है, पर यही जहाँ से आता है कांडूला खरखरा जलाशय वगैरह से वहाँ पर से ये पीने योग्य रहता है काफ़ी पानी। यहाँ काफ़ी मटमैला हो गया है, बारिश का पानी मिट्टी को भी रहता है, जिस कारण से इतना मटमैला है। और अगर आप किनारों में जाएंगे तो यहाँ पर आपको और प्लास्टिक और थैलियाँ वगैरह भी दिख जाएंगी, पर आगे जाके ये थोड़ा फिर क्लीन होता है और फिर पीने योग्य बनाया जाता है। और आज संडे का दिन है, पहला दिन वो छोड़ के आए हैं रोमन एम्पायर जो नया बड़ा होटल बना हुआ है, और सोशल गैदरिंग वगैरह होता है, पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती है। ये हमारे शिवनाथ नदी जो है ये काफ़ी पुराना, काफ़ी इसकी धार्मिक ये है मान्यता है इस नदी को लेके, और यही जीवन वाहिनी है हमारे पूरे भिलाई दुर्ग की, आसपास राजनांदगांव वगैरह की भी, गांव की भी, फसलों को उपजाऊ बनाती है, हमारे घरों तक पानी पहुंचाती है। तो ये है शिवनाथ नदी, द ग्रैंड कैनियन ऑफ भिलाई दुर्ग। तो चलिए आज सभी को माँ उन्नति दे और संपर्क बन दे, यही आशा से आज संडे को ब्लॉग यही खत्म।